अभी तक जिनको बुला रहे थे, हम माइंड रीडिंग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, या हमने बुला लिए होंगे। अब इस अंजाम को आप देखिएगा, हमने ये चार पर्चे को उल्लेखित किया हुआ है और चारों पर्चे हमने ये रखे हुए हैं लिखकर। अब चार लोग आएंगे और चारों पर्चे हमारे इस प्रकार से रखे रहेंगे, चारों पर्चे, और पहले वो प्रश्न बोलेगा, फिर एक पर्चा चुनेगा, वो जो पर्चा चुनेगा उसकी वो बात इस पर्चे में छपी मिलेगी। क्योंकि अभी तक हम माइंड रीडिंग कर रहे होंगे, अभी तक हम जिन्हें बुला रहे होंगे वो हमारे होंगे, और रुकिए, ये चार लोग हम नहीं बुलाएंगे। इन चार लोगों में पहला नंबर, आप जो वर्दी पहने हैं आपने भी अर्जी लगा रखी है, और आपने अभी अभी कहा कि इन चार पर्चों में हमारा भी एक पर्चा है, तो आपको ही हम चुन रहे कि आप तीन और ले आइए पीछे से। आप जाइए जो आपके परिचय के ना हो, महिला हो पुरुष, सुन लीजिए श्रीमान जी, महिला हो पुरुष हो, बूढ़ा हो, आपका भरना हो, आप तीन लोगों को लेकर के आइए। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा लिखा हमने रख लिया है पहले से। और ये अद्भुतता का विषय, एक और सुनिए श्रीमान जी, आप उसी को उठाएंगे जिसे हमारे हनुमान जी चाहेंगे, जिसे हमारे सन्यासी बाबा चाहेंगे, और नहीं कोई उठ सकता। पहले से ही हमारे हनुमान जी महाराज ने ये लिखवा दिए हैं, अब वही उठेगा जिनके पर्चा लिखे धरे हैं। अब देखिए कैसे ये हो सकता है, खड़े करते जाना है अलग, एकदम लास्ट में जाइए श्रीमान जी, एकदम लास्ट में नजर घुमाइए, महिला में पुरुष में, बूढ़े ठेढ़े जवान, अपने मन से। अब तुम लोग सीताराम जपो, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी खड़े मत हो, बैठ जाओ। और ये अशोक नगर के दरबार में विज्ञानकों के लिए, जो कहते थे कि गुरुजी तो दिमाग का पढ़ ले, तो उनकी ठठरी बारवे के लाने अद्भुत प्रयोग है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए, क्या ऐसे हो सकता है बोलिए। अरे बजरंगबली सहाय तो फिर क्या डरना, वहीं खड़ा कर दो चारों लोगों को, अगर उनके बुलाए हुए आवे तो चारों लोगों को खड़ा कर देना। राम, इसमें नंबर भी डाल देते हैं, राम 2 3 4, तीन दो एक और ये चार हो गए, चार लोग, तीन लोग कहाँ हैं, एक और कहाँ हैं, पक्का माइक दीजिए इनको, बैठ जाइए सब, माइक दीजिए इनको, आपकी पहचान के तो नहीं है चारों, कोई भी पहचान का नहीं है गुरुजी। आप हमसे पहले तो नहीं मिले, कभी नहीं मिला गुरुजी। कहाँ से हैं आप? मैं अशोक नगर में ही पता। हाँ, और आप चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है जी सर। तो आप मानते हैं कि कोई इस प्रकार से लिख दे और फिर जो आवे, जो पर्चा वो चयन करे उसी का निकलेगा? हनुमान जी के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है गुरुजी। वाह, अब आप इन चारों में से बदलना तो नहीं चाहते? जी नहीं गुरुजी। फाइनल? जी गुरुजी। लॉक कर दें? जी गुरुजी। तो यही चारों लोगों के पर्चा हैं। जय हो। और अगर बदलना हो
तो हनुमान जी और लीला कर लेंगे, बदलना तो नहीं है जी? नहीं गुरु जी। पक्का जी गुरु जी। आप पहले जिसको भेजना चाहें भेज दीजिए, आप चले जाओ, चले जाओ। आप पढ़ लेते हैं हिंदी? आ जाइए, तब तो फिर अच्छा है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की जय। माइक लीजिए, माइक लीजिए। कहां से आए हैं? कहाँ पड़ता है ये? यही अशोक नगर जिले में। माइक नजदीक करो जरा मुख्य। आप उनको पहले से पहचानते थे क्या? उनको जो पुलिस में है? आप हमें जानते? पहले मिले? पहली बार। प्रश्न पूछो, क्या विषय है आपका? पूरी विदांत है घर में जी, नाच भी करेगा तो वादा करता है जी। इन चारों में से आप एक पर्चा चुनिए। अब देखिए ये इनका विषय है, चूंकि इनकी भाषा हमें समझ में नहीं आई कि इनका प्रश्न क्या है, लेकिन पर्चा बोलेगा कि ये क्या पूछने आए। इन चारों में से एक पर्चा कोई चुनिए। इन चार, ये चार हैं, ये चार नंबर कोई भी, ये वाला दो नंबर पक्का, ये दो नंबर यही है ना, ये हमने तीन रख लिए अपने काम आएंगे आगे। पढ़िए, माइक नजदीक करिए, नजदीक आइए, नजदीक आइए। अब पर्चा पढ़िए। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से, पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरी सिंह है? सरकार की जय। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा है, एकदम सही। कितने तक पढ़े हो? मैं आठवीं तक पढ़ा। आठवीं पुरानी पढ़ाई है, पर्चा यही बोल रहा? जाओ आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, ना तुम्हारे घर में कलेश मच है, जाओ आशीर्वाद है। ये मंत्र है, धाम की पेशी करनी, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। तुम्हारे पेट में भी पीड़ा होती है? अच्छा, जो जो पढ़ो, एकदम सही मंत्र समझ आ गो, कछु नहीं था होते पूछ लियो। ये पर्चा भैया अपने इस पर भी, स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। आपका शरीर में बोल हो गया, शरीर में हकलाहट होती है, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। चलो दूसरा भेजिए श्रीमान जी। पर्चा बचे तीन, अब देखते हैं कौन घाटा खाता है। और हम भी पहली बार ये प्रयोग कर रहे हैं। अब वो तो अचानक गुरुजी बोले कर दो, क्योंकि अब अपना अमेरिका भी चल रहे हैं, होते मशीन बारन की ठटरी बांधने, तो बोले कर दो। हमने कही करें दहिता आ जाने दो। माइक लो, आप पढ़े लिखे, हिंदी आती है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छे से आती। अच्छा। नजदीक आइए, हाँ प्रश्न पूछिए गुरुजी। एक तो अकाल मृत्यु बहुत हुई, घर में डर लगता है मृत्यु से। अब कहाँ के रहने वाले हो आप? असोनार के पास कपेपरई के गांव थिगली का। अभी जो गए हैं इनको, दादाजी को जरा माइक देना फिर से, इनका बता। हाँ और प्रश्न पूछो, फिर इनको बाद में। छह प्रश्न लिख के लाया हूँ गुरुजी मैं जी। में बस घर में कलेश रहता हूँ, शुक्रवार का दिन इतना खतरनाक निकलता है कि कल्पना नहीं की जा सकती। शुक्रवार का दिन इतना खतरनाक निकलता है कि इन पर्चों में से आप एक चुनिए कोई। ये पक्का फाइनल? और तो नहीं चुनना? ये एक नंबर ना? हाँ जी। नजदीक आओ, ये पर्चा आपका हमने उल्टाया, पढ़िए। शिव जी को स्थान दें, बेदी हवन करवाएं, अकाल मौत नहीं होगी। प्रश्न लिखकर लाए हैं, अनेक मन में हैं, एक पर्चा भी इनके पास है, समस्या का कलेश का समाधान होगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। क्या जय ही बता रहा? बिल्कुल जय लिखो, बिल्कुल जय। पर्चा भी जय ही बोल रहा, जाओ आशीर्वाद। मूर्ख तो नहीं बन गया, यही बोल रहा पर्चा। बोलो सन्यासी बाबा की।
धाम की पेशी करने, आपके यहाँ चार मृत्यु हुई हैं। माइक लीजिए। बिल्कुल गुरु जी, चार मृत्यु हुई, चार मौतें हो गई हैं। 2005 से शुरू हुई हैं जी गुरु, अभी वर्तमान में 2019 में भी एक हो गई है जी। हो गई गुरु जी। सन्यासी बाबा की जय। आज से ही यह शक्ति हटेगी बेदी हवन से। एक मंत्र लिखा, ये मंत्र, ये हमने लाइन नई लिखी, समझ आ गए? पर्चा समझ आ गए? आपके घर पर बंगाली विद्या का प्रभाव है, आज से अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह आपको तांत्रिक क्रिया करवाने की जरूरत नहीं है। हार्ट की दिक्कत व पेट सिर की दिक्कत बनकर के लोग मर जाते हैं और बाद में समझ में डॉक्टर की कुछ नहीं आता, जांचें नॉर्मल आती हैं। बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। स्वीकार, यहां रख दीजिए, भेजिए। पर्चा बच्चे दो, दादाजी आप माइक लेके खड़े हो जाओ। तुम्हारी एक बात हम लिखना भी भूल गए और जब आप चले गए तो बताना भी भूल गए। आपके घर में धन की दिक्कत, उपद्रव, विनाश तो हो ही रहा, ये समस्या तो हम बता ही चुके। आपकी जो शरीर की मूल समस्या है वो है पैरालाइसिस के कारण। हाँ है सर जी, है जी। ये क्या कहलाता है? ये सब तुम कह रहे थे, ये हम क्या कह रहे हैं? पैरालाइसिस लकवा है। लकवा? हाँ। हाँ। जाओ ठीक हो जाए। जब तुम निकल गए तब हमारे भाई भाई में फिर सिग्नल आए, इसीलिए हमने फिर तुम्हें माइक दिया है। अब हम झाड़ा लगाएं, तुम बैठ जाओ मुट्ठी बांध के। आइए नजदीक। हिंदी पढ़ लेती हैं आप बहुत अच्छे से? अच्छा तो ठीक है, फिर नजदीक आओ, और नजदीक आओ बहन। माइक लो, क्या विषय है? आपको तो सब कुछ पता है, बालाजी को पता है, पूछो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भैया की मृत्यु कैसे हुई? क्या नाम था उनका? राजमल, राजमल रावत। है? राजमल रावत। कुछ और बोलते थे उनको? राज। अब पूछो और प्रश्न। और गुरुजी मेरे पापा मम्मी भी बहुत परेशान रहते हैं इस पर्चे में, क्योंकि एक चार पर्चे में से हमें ध्यान है कि किसी की मौत का नाम का रहस्य आया था। हाँ ठीक है। अब इन दो पर्चों में से आप कौन सा पर्चा? पर्चा बच्चे हैं दो, पर्चा के नंबर हैं 3 और 4। हाँ। 3 और 4 नंबर के पर्चा बने हैं बच्चे हैं। हाँ। आप जिनका भी उठाएंगे उस पर्चे, जिस पर्चे को भी उठाएंगे उस पर्चे में नाम सहित समस्या लिखी आएगी। जी गुरु जी। नाम सहित, ये कैसे हो रहा, कौन कर रहा, यही कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। निकालिए एक पर्चा, फाइनल। हाँ। कौन सा? 3। पक्का? पक्का। कि 4 तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अभी सोच लो। नहीं चाहिए 4। नहीं 4 ले लो। नहीं चाहिए सर। नहीं 4 ले लो। अरे 3 ही चाहिए गुरु जी। नहीं 4 ले लो। जो आपकी इच्छा। नहीं 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 4 ले लो, 4 ले लो। 3 नहीं तो जेई में है जो, कितना नंबर है? 3। आओ नजदीक। शरीर पीड़ा ठीक होगी, भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है, घर पर कृपा रहेगी, माता पिता भी आपके परेशान है, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं, स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का मृत्यु के समय, आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ही ऐसा किया है गुरुजी। बोलिए यही है? जी गुरुजी यही है। सन्यासी बाबा की जय। गुरुजी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे। हाँ। मेरे भैया का फेस कट कुछ कुछ आप जैसा दिखता था, तो उस दिन से मैं ना यही सोच के आई थी, जब से यूट्यूब पर आपको देखती थी मैं बहुत रोती थी, तो मैं रक्षाबंधन पे जब आप आए थे ना दतिया में, तब मैं राखी भी लेकर आई थी, पर फिर आपसे मिलना नहीं हो पाया। अच्छा बहन, हमने एक नोट और, जी तो हमने रहस्य उल्लेखित कर दिया, पर हम एक चीज जो आप पूछने आई हैं वो माइक से नहीं हम बोलना चाहते। जी गुरुजी। माइक नीचे कर लीजिए आप, हाँ या ना में बता दीजिए, क्या यही है?
माइक से बोलो। हाँ गुरुजी, यही नहीं पर सके, ये सही है गुरुजी। लेकिन आप हमारा नाम नहीं बताएं जी, नहीं गुरुजी। आप ये हम क्योंकि ये पर्चा यहाँ ये लाइन हम काट भी रहे हैं, इसको हम काट भी रहे हैं, मतलब उसको मिटा रहे हैं, लेकिन ये हमारा नाम नहीं आप बताएंगी नहीं। और रहस्य खुल चुका है, सियावल रामचंद्र की जय। अब बताइए क्या एकदम सही? बिल्कुल एकदम सही गुरुजी, 101%। आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है क्या? बागेश्वर बालाजी के दरबार में कुछ भी हो सकता है। पर्चा पढ़ लीजिए सब लोग स्क्रीन पर। गुरुजी मैं एक प्रश्न और पूछना चाह रही थी अपनी जॉब से रिलेटेड। उस पर भी कृपा। अब वो बोली नहीं है, आप पहले पर्चा खुलने के पहले बोलती तब वो भी लिखो हो तो बोलना तो बोल। लेकिन ये भैया ये तो जब मीटर है, मीटर आदमी उतना ही बोले जितना तो पर्चा में है। आप मीटर फेंकते मीटर चाबी एकदम कहते बोले ही नहीं सके उतना ही बोले जितना पर्चा में। ओवर नो जी, मैं सुबह से ओवर नो सुबह से एक बात सोच कर बैठी थी कि अगर मैं गुरुजी को सच्चे दिल से अपना भाई मानती हूँ, अगर उनके हृदय तक सच में किसी के दिल की बात पहुँच जाती तो उनके हाथ में एक राखी जरूर बंधी होगी, और जब से आप आए हो तब से मैं आपकी राखी को ही देखे जा रही हूँ गुरुजी। ऐसी कृपा हो जाए गुरुजी। आपका पर्चा तो फिक्स ही है, आप आ जाइए श्रीमान जी। गुरुजी मेरी जॉब पर भी कृपा हो जाए, मेरी सरकारी जॉब पर भी आपकी कृपा हो जाए। तेज करो बहन, लेकिन आशीर्वाद देंगे धाम पर, ठीक बहन जी। लेकिन ये राज का रहस्य हमारा नाम मत बताइयो, हम डेढ़ हड्डी के आदमी मर जाए भी गरीब आदमी बहन मोरी। मोह न मान लइयो बहन, मैं बहुत दीनहीन आदमी हूँ, मोह न मान लइयो। आओ आ जाओ श्रीमान। कहे हमारी दुश्मनी कौन, हमने कहू के बाप के बेलवा छोड़ी, ऐसे ही तो दुश्मनियां बन जा जी की पोल खोल दो वही दुश्मन। आओ कहे हमने कहा काऊ के बाप की बेलवा छोड़े। आओ श्रीमान जी, शर्मा जी, बस 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 धन्यवाद। अभी आप वर्दी में हो, अभी आप वर्दी में हो, अभी आपको आपका सम्मान है अभी, क्योंकि अभी आओ बच्चों। बहुत आशीर्वाद भैया, खुश रहो। तुम प्रणाम कर लो दोनों, तुम दंडवत करो, तुम भी दंडवत करो, दंडवत करो, पांव पसार के दंडवत करी जा। अब ठीक रहो, कुछ ही रहो। कहाँ रहते हैं आप? अशोक नगर में ही रहते हैं गुरुजी। पूछो क्या बात। बस दोनों बच्चों पे कृपा हो जाए गुरुजी, शंकर जी का मंदिर बनाना चाहता हूँ, आपको पता है कहाँ पे गुरुजी, उसके लिए आज कृपा नहीं हो पा रही बहुत दिनों से। स्थान और थोड़ी सी व्यवस्था, और एक विषय और लिखा है, हम बताएं जी। कोई कोई तंत्र बाधा का प्रयोग नहीं है, चिंता ना करें, शिव जी का स्थान मिल जाएगा, कलेश व लड़ाई नहीं होगी, बच्चों का जीवन बहुत उन्नत होगा। आप स्वयं बालाजी के और शिव जी के भक्त हैं, दोनों बच्चे भी ऐसे ही संस्कारी रहेंगे, आशीर्वाद है। मुझे बालाजी की पूछना है मुझ पर बहुत है। ये देखो तुम कितना अद्भुत लीला की आपके साथ, रोते नहीं, देखो कितनी अद्भुत लीला। ये मंत्र है, बनेगा मंदिर, कृपा होगी निसंदेह है, और स्वास्थ्य भी बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है जिससे बहुत परेशान है, पेट व हार्ट की समस्या बनती है जी गुरुजी। ठीक है, आय के साधन साइड में बीच बीच में विचार करते हैं, प्रॉपर्टी कार्य जी गुरुजी। आपने ऐसा विचार किया है क्या? आपने एक बार शुरू भी किया है क्या? जी गुरुजी। हैं, प्रॉपर्टी का काम चलने लगेगा, होगा, बिल्कुल चिंता ना करें, दोनों बच्चे बहुत संस्कारवान हैं, और आप को इस पूरे क्रम का मोहरा बनाने का कारण सिर्फ इतना है, हमारे आने के पहले आप ये चाहते थे कि ड्यूटी हमारी नजदीक लग जावे। मेरी ड्यूटी लगी नहीं थी गुरुजी, वो तो बालाजी की कृपा। और विचित्र, एसपी साहब, एसपी महोदय, आप भी विराजमान हैं, हम आपको राम राम कर रहे हैं और आपकी भाषा में नमस्कार भी कर रहे हैं। एसपी महोदय, इनकी ड्यूटी दरअसल इस यज्ञ में हमारे पास नहीं थी, नहीं थी गुरुजी, नवल शर्मा जी की,
लेकिन बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि ड्यूटी भी लगी, नजदीक भी लगी और चार लोगन के पर्चा भी बनवाए, क्योंकि इनका भाव था कि हनुमान जी होते कि नहीं, हम पर कृपा है कि नहीं, ये जानने के लिए कई महीनों से परेशान थे। पूरा परिवार बागेश्वर धाम गया था, हम चारों गए थे गुरु जी। हाँ, ये बात तुमने पहले से तो ही किसी को नहीं बताया गुरु जी। ये बालाजी की अद्भुत महिमा है, भगवान करे कि आपके बालक पर भी खूब कृपा हो गए विराज। खूब खुश रहो। लाओ भैया ये मंत्र, इसमें मंत्र है और इसमें बहु है, शुरू करना है। हाहाहाहा